बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हम लोग तैयार है। पीछे लिखा हुआ है उत्क्रमित मध्य विद्यालय जिनपुर अंचल बिहटा पटना, यानी पटना का ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और इसमें एक गाड़ी आई है, लिखा हुआ है बिहार यात्रा मिशन डिजिटल एजुकेशन। बिहार में बच्चों को डिजिटल एजुकेशन नहीं दिया जाता है, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग एक स्कूल में आए हैं और सब सरकारी स्कूल के तुलना में इस स्कूल का कंडीशन जो है वो अच्छा दिख रहा है। और चलिए पहले प्रधानाध्यापक कक्ष में चलते हैं और यहाँ का व्यवस्था दिखाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद से क्लासरूम में चलेंगे। ध्यान से देखिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे सब कुछ है। क्या नाम हुआ सर आपका? अरुण कुमार। क्या करते हैं आप? प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। अच्छा ये बताइए इस स्कूल में कितने बच्चे हैं? 335 बच्चे हैं। अच्छा कितने बच्चे पर डे आ जाते हैं? 250 से 300 पर डे यहाँ। 250 से 300 पर डे आ जाते हैं। पढ़ाई कैसा है इसका? पढ़ाई तो अच्छा है, हमारे यहाँ शिक्षक के कुछ घोर अभाव है। घोर अभाव है शिक्षक का? कौन कौन से सब्जेक्ट के शिक्षक का घोर अभाव है? अंग्रेजी और विज्ञान के शिक्षक चाहिए मुझे। अंग्रेजी और विज्ञान का शिक्षक इस स्कूल में नहीं है, फिर भी व्यवस्था आप देखिए। आगे भी चलेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस स्कूल में है क्या और हम लोग इस स्कूल में क्यों आए हैं। बताओ। हाँ क्या बोली बाबू? माय नेम इज प्रियंका कुमारी। इसका नाम जो है ना प्रियंका कुमारी है, अंग्रेजी में बोल रही है माय नेम इज प्रियंका कुमारी। तुम्हारे स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक हैं? नहीं है। नहीं है और फिर भी अंग्रेजी में बात करने का प्रयास कर रही है। जरा सोचिए वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं तो फिर वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी की बात क्यों नहीं की जाती है? जो केरल में एजुकेशन पॉलिसी है उसे बिहार में क्यों नहीं लागू किया जाता है, और जो बिहार में है उसे महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू किया जाता है, जो तमिलनाडु में है उसे बिहार में क्यों नहीं लागू किया जाता है? अंग्रेजी के शिक्षक है तुम लोगों के? नहीं है। किसको किसको अंग्रेजी आता है, हाथ उठाओ तो। आता है? चलो नाम बताओ तुम अपना। माय नेम इज नीतू कुमारी। पापा का नाम बताओ। माय पिताजी का नाम श्री राज कुमार पासवान। चलिए ठीक है, सीखने का तो प्रयास कर रही है ना। माय पिताजी का नाम श्री राज कुमार पासवान। ताली बजाइए इस बच्ची के लिए सभी लोग। इन बच्चों को भी पढ़ने का हक है, अधिकार है कि नहीं है? है ना। माय नेम इज नेहा कुमारी। एंड पापा का नाम? माय फादर्स नेम श्री राजकुमार शाह। वाओ, ताली बजाइए सभी लोग। और ये है बिहार का सरकारी स्कूल। हाँ और सब सरकारी स्कूल से अच्छा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर स्मार्ट क्लासेस। हम लोग सरकारी स्कूल के कंप्यूटर रूम में आए हैं, स्मार्ट क्लासेस में आए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रणवीर प्रताप है। अच्छा आप तो शिक्षक नहीं लग रहे हैं। मेरी टीम है बींग हेल्पर। हाँ। हम लोग उसी के द्वारा इस बच्चे को मतलब पढ़ा रहे हैं हम लोग। अच्छा क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग? अभी तो हम लोग कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है बाबू आपको? कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या लिखी है कंप्यूटर में? हम अपना नाम लिखे हैं। हाँ। सानिया कुमारी। हाँ। अपने पिताजी का नाम लिख रहे हैं। अच्छा लिखने के लिए कौन सिखा रहा है? भैया सिखा रहे हैं। भैया सिखा रहे हैं, चलिए ठीक है। क्या क्या सिखा रहे हैं सर आपको इन लोगों को? अभी इन लोगों को बेसिक बताया जा रहा है, वर्डपैड में कैसे नाम लिखा जाता है। हाँ। वो उन लोगों को बताया जा रहा है और उधर बच्चे लोग कुछ लोग। और ये लोग शिक्षक नहीं हैं, ये लोग एक संस्था के लोग हैं और जो बच्चों को मदद करते हैं, पटना से आके बच्चों को मदद करते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर इस बिहार के लोगों ने प्रयास किया तो शायद जो है बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। क्या नाम हुआ बाबू आपका? अमरजीत कुमार। अच्छा क्या क्या सीख रहे हैं आप? कंप्यूटर सीख रहे हैं। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज कंप्यूटर, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है आंसर में? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच हैज ट्रिमेंडल स्पीड टू सॉल्व मैथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क विथ लोपेंसी डाटा फ्रॉम इनपुट एंड प्रोसेसर गिव द रिजल्ट फ्रॉम आउटपुट। जरा सोचिए, अरे इस बचवा का भी सपना पूरा करना है सरकार। वन नेशन वन टैक्स और भी ना जाने, वन नेशन वन रूल और भी ना जाने क्या क्या चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी भी लगाइए ताकि बिहार के बच्चे भी अपने पंखों पे उड़ान भर सके। उनका पंख कतरने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं और इसमें राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी दोषी है और साथ में बिहार का विपक्षी पार्टी के सभी नेता दोषी हैं। विपक्षी पार्टी तुम लोग भी दोषी हो,
क्या नाम हुआ बाबू आपका? रहेश कुमार। क्या नाम हुआ बाबू आपका? गुड्डी कुमारी। क्या नाम हुआ? वंदना कुमारी। अच्छा, क्या कर रहे हैं लोग आप लोग? कंप्यूटर सीख रहे हैं। कंप्यूटर सीख रहे हैं। चलिए अब चलेंगे और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे जिन्होंने ये सारा व्यवस्था कराया है स्कूल में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ, बीइंग हेल्पर फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये सारा कंप्यूटर का व्यवस्था आप लोगों ने कहाँ से और कैसे कराया? ये सारा रोटरी मिल्सन काइनीज है, रोटरी क्लब होती है। मुकेश भैया हैं जो अभी बिहार के हैं मगर अभी यूके में रहते हैं, उनके माध्यम से, उनके संस्था के माध्यम से ये सारा कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया और हम लोग पढ़ाने का। सिर्फ कंप्यूटर है इस स्कूल में या और भी कुछ है? देख सकते हैं, बुक लाइब्रेरी भी है और लाइब्रेरी भी है। यहाँ पे बुक लाइब्रेरी है, देखिए ध्यान से आप सभी। और लाइब्रेरी से तुम लोग बुक लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हैं। अच्छा, पढ़ते हो कि नहीं बुक हुआ? पढ़ते हैं। ये सभी बच्चा सब पढ़ता है। और लाइब्रेरी के अलावा क्या क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब भी है जो कि सबसे यूनिक चीज़ है। और स्मार्ट क्लास में हम लोग बच्चों को साथ साथ ये सारा कुछ हम लोग पढ़ाते भी हैं। देखिए कि अभी। अच्छा सर जी, क्या नाम हुआ आपका? जी आनंद सलोना नाम हुआ सर। अच्छा, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? सर कंप्यूटर को अभी सर इंटरनेट हार्ड डिस्क, ये इंटरनेट एक्सटर्नल डिवाइस पढ़ाने हैं। ये सभी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं पटना खगौल से हूँ। अच्छा, ये क्या है? ये वेसल सब हो गया, जैसे कोई केमिकल का अगर हमको टेस्टिंग करके अगर दिखाना रहा, बच्चे लोग को सिखाना रहा, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे लोग को तो ये सब नसीब में मिलना ही वाला नहीं। क्या है ये? ये एक डेमो हो गया, एक डेड मीन्स ऑक्टोपस है, तो इसको एक केमिकल में रखकर हम लोग ग्लास में रखकर बच्चे लोग को दिखाते हैं कि खराब नहीं होगा। नहीं, ये खराब नहीं होता है। नहीं खराब नहीं होता है। अच्छा, ये सभी क्या है? ये सभी आपको सीड्स सूट्स हो गया, सब कुछ सारा कुछ है, अलग अलग तरह का। ये भी खराब नहीं होता है? ये भी खराब नहीं। ये मछली? हाँ, ये मछली हो गया, ये भी खराब नहीं होगा। और ये ये बिच्छू हो गया। हाँ, ये सारा बड़े प्राइवेट स्कूल में आपको देखने को मिल जाएगा, मगर सरकारी स्कूल में ये सरकारी स्कूल में नहीं देखने को मिलेगा। जूम करने के लिए कुछ दिखाने के लिए बच्चों लोग को यहाँ से हम लोग आराम से दिखा सकते हैं। 20x का लेंस लगा। ये सभी क्या है? ये सब जैसे कि किडनी हो गया, तो बच्चों लोग को हम लोग प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि ये किडनी है, ये ब्रेन होता है हम लोग के जो सर के अंदर में जो है, ये पीछे का छोटा ब्रेन होता है, ये सारा कुछ हो गया। ये ट्यूब सब हो गया, इसमें हम लोग केमिकल का टेस्टिंग करके छोटा मोटा भी बच्चों लोग को हम लोग दिखाते हैं बस। मतलब 8वां क्लास तक के बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज मिलता है और बिहार का 10th और 12th के बच्चों को भी प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं मिलता है। पैसा दे दो प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल जाएगा, नहीं दोगे तो फेल करा दिया जाएगा, ये सच्चाई है। और इसके लिए अगर बिहार के गार्जियन और बिहार के छात्र आवाज उठाएंगे तभी बदलाव होगा। हाथ में क्या है आपके? मेरे हाथ में ये एप्लीकेशन है। हम लोग जैसे बिहार बोर्ड में कंप्यूटर की शिक्षा जुड़ी हुई नहीं है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक, तो उस सब्जेक्ट को जुड़ाने के लिए 6 से लेकर 10 तक कंप्यूटर एजुकेशन नहीं है। और 11वां 12वां में कहाँ कंप्यूटर एजुकेशन है? वहाँ भी ना के बराबर। नया शिक्षा नियुक्ति भी हुआ तो लोग कहाँ शिक्षक लोग आ पाए, जो भी कंप्यूटर लगा है बस वो मुंह पर लगा हुआ। मीन्स अगर जमीनी स्तर पर अगर स्कूल में देखेंगे जाकर तो ना के बराबर धूल भाग रहा है। कितना ये इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें एक एप्लीकेशन है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर कि बिहार बोर्ड में एक विषय कंप्यूटर का विषय को जोड़ा जाए कक्षा 6 से लेकर 10 तक अनिवार्य रूप में, और ये सारे मुखिया लोग का सिग्नेचर है। करीब 12 जिला हम लोगों ने कवर किया है, तो वही 12 जिला के मुखिया लोग का। अरे, सिर्फ 12 जिला के मुखिया ईमानदार हो जाएंगे तो काम हुआ हो जाएगा आप लोगों का, पता है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा नाम अंजना कुमारी है। अच्छा, क्या क्या आता है आपको? हमको कंप्यूटर खोल सकते हैं, उसको चलाना जानते हैं। कैसे खोलोगे? पहले ओपन करेंगे उसको बटन से, पहले मॉनिटर ओपन करेंगे, फिर उसका उसमें फिर रुकेंगे, लोडिंग होता है, फिर ओपन होता है, फिर रिफ्रेश करेंगे, फिर हमको जो चलाना है वो चलाते हैं। चला सकते हो? अच्छा, कंप्यूटर में क्या क्या सीखे हो? कट, कॉपी, पेस्ट और डिफिनीशन है वो सब। ये क्या है? ये शॉर्टकट कीज है। हाँ। और ये डिफिनीशन है। बताओ तो शॉर्टकट कीज। सेव का कंट्रोल S, फाइंड का कंट्रोल प्लस F, रिप्लेस का कंट्रोल प्लस R, कट का कंट्रोल प्लस X, सिलेक्ट का कंट्रोल प्लस A, और ये सभी तुमको याद है। हाँ। चलिए ठीक है, ताली बजाइए इस बच्ची के लिए। और ये है बिहार का एक सरकारी स्कूल। चलिए अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। और क्या नाम हुआ बाबू आपका? तनिषा कुमारी। अच्छा, क्या क्या आता है आपको? कट, कॉपी, पेस्ट और हाइलाइट कलर करने और न्यू फाइल लाने, ये सब आता है। ये सब आता है। और ये सभी चीज़ आप लोगों ने कैसे सीखा है? आनंद सलोना भैया। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ बाबू आपका? अंजलि कुमारी। अच्छा अंजलि, क्या क्या आता है आपको? फॉन्ट, फैमिली, फॉन्ट साइज,
और बोल्ड टाइली ये सब करने आता है। सब करने आता है। चलिए ताली बजाइए इस बच्चे के लिए। और ये है एक सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में अगर एक संस्था जो है इतना बड़ा बदलाव कर सकता है तो जरा सोचिए आप लोगों के गांव के सरकारी स्कूल में अगर आप लोग ईमानदार हो जाएंगे तो सारा बदलाव हो जाएगा। सही है कि नहीं? 100% एक गांव में कम से कम 100 लोगों के पास सरकारी नौकरी होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ वो लोग साल में 1,000 रुपया देंगे तो 1 साल में 1,00,000 रुपया होगा और बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। सही है कि नहीं है बाबू? यस सर। क्या नाम हुआ बाबू आपका? अभिजीत कुमार। अच्छा, बैक बेंचर। चलिए, अब बैक बेंचर हम भी थे अपने कॉलेज के दिनों में। अब इससे पूछते हैं सवाल, क्या क्या आता है तुमको? कंप्यूटर में एमएस वर्ड खोलने आता है। एमएस वर्ड में कट कॉपी पेस्ट सब बोल्ड करना ये सब आता है। सब आता है। और ये सब क्या क्या लिखे हो? सब शॉर्टकट है। हाँ तो बताओ तो शॉर्ट कीज। कंट्रोल ओ का होगा ओपन, कंट्रोल एस का सेवेस होगा, फिर कंट्रोल ए का सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल एच का रिप्लेस, कंट्रोल एफ का फाइंड, कंट्रोल जेड का अंडो, कंट्रोल और होगा और नहीं पता है। चलिए ठीक है, इस बच्चे के लिए ताली बजाइए आप लोग। और बिहार सरकार से मैं विनती करना चाहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए और जो शिक्षा का बजट है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगर शिक्षा का बजट का सही जगह पे इस्तेमाल होगा तो शायद जो है गरीब के बच्चों का भी सपना पूरा होगा। क्या नाम हुआ बाबू आपका? सपना। अच्छा, सपना। आपका सपना पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या ड्रीम है आपका? हमारा तो है कि एक डांसर बनना चाहते हैं। हाँ। पर ये हमारा तो नामुमकिन है, हम लोग नहीं बन सकते हैं। कहाँ नहीं बन सकते हैं? ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम घर में भी हो सकता है, इसलिए मतलब कि पैसे डांस वांस नहीं सिखाया जाता है। हाँ, ये सपनों को मारा जा रहा है बिहार के सरकारी स्कूल में, बिहार के गरीब बच्चों का। लेकिन सपने तो पूरा करना ही होगा किसी भी हाल में। आज आपके बच्चे का सपना पूरा हो रहा है तो आप सोच रहे हैं कि नहीं हम क्यों आवाज़ उठाएं। अरे एक ना एक दिन जो है आपके भी बच्चे का सपना मर जाएगा, इसलिए कम से कम आवाज़ उठाइए। क्या क्या आता है कंप्यूटर में आपको? कंप्यूटर में हम लोग को आता है वर्डपैड, एमएस ऑफिस में होम हो चुका है, जैसे कि एटैली वर्ल्ड करने आता है। हाँ, आता है, टाइपिंग करने आता है। हाँ चलिए ठीक है, इस बच्चे के लिए आप लोग ताली बजाइए। और ये है बिहार का एक सरकारी स्कूल जिसमें कंप्यूटर का शिक्षा दिया जाता है, उसके अलावा लेबोरेटरी का पूरा व्यवस्था किया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, उसके अलावा जो है टीवी लगाया गया है, कंप्यूटर लगाया गया है, और ये सारा काम जो है इन लोगों के द्वारा किया गया है। ज़रा सोचिए अगर ये लोग ये काम कर सकते हैं तो बिहार सरकार ये काम क्यों नहीं कर सकता? ये क्या है सर? इसमें फिजिक्स के इक्विपमेंट्स रखा हुआ है, जैसे वेइंग मशीन है आपको, फिर मोटर्स लगा हुआ है कि विंड मिल करके हम लोग बच्चों लोग को दिखाते हैं, फिर फ्यूनल्स है जला होकर हम लोग दिखाते हैं, ये डीसी मूविंग कॉयल का है चेकिंग करने के लिए, ये मोटर है बस हम लोग ऐसे ही विंड मिल के लिए यूज़ करते हैं, ये वेइंग मशीन उन सब है, फिर आपको सारा इक्विपमेंट्स है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगुलर है, कोन है, सब कुछ हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके बच्चे लोग को दिखाते हैं कि किससे क्या बन सकता है, कितना डिग्री होता है, क्या होता है, फिर आपको ये सारा चीज़ हर एक स्कूल में होना चाहिए। जी हाँ, फिजिक्स का लैब, केमिस्ट्री का लैब, बायो का लैब, कंप्यूटर सारे स्कूल में होना चाहिए और तब जाके बिहार का सरकारी व्यवस्था जो है ना वो सुधरेगा, वरना बिहार का सरकारी शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकता। स्कूल में क्या क्या व्यवस्था कराए हैं आप लोग? अभी इस स्कूल में कंप्यूटर लैब है, फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, बुक लाइब्रेरी है, बाथरूम, ये सब हम लोग अपनी तरफ से कोशिश की। सारा आप लोगों ने व्यवस्था करा? हाँ, मुकेश भैया हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने करवाया है। सरकार ये सब व्यवस्था नहीं करा रहा है? नहीं नहीं, सरकार यहाँ पे ये व्यवस्था सारे स्कूलों में होना चाहिए, 100% होना चाहिए, तब तो हमारे बिहार के बच्चे लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए कौन है दोषी? सरकार, जनता? जनता 10% 10% जनता दोषी है। जनता अपने गांव में स्कूलों में हो रहा भ्रष्टाचार पे मौन रहता है तो 10% कैसे? सरकार के साथ साथ वो भी उतना ही दोषी है।
देखिए सिस्टम तो करप्ट है ही हमारे बिहार का, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। जब आप लोग जो है इतना सारा व्यवस्था करा सकते हैं तो सारा जनता मिलके गांव का स्कूल का संचालन सही से नहीं करवा सकता है? 100% कुछ जिलों में हम लोग गए थे यात्रा के दौरान, तो देखे तो डिजिटल मिशन सक्सेस होगा या नहीं होगा? 100% सक्सेस होगा, पूरे तक सक्सेस होगा। हम लोग ये 2 अक्टूबर को हम लोग पूरे बिहार के पहली बार पूरे हिंदुस्तान में ये आंदोलन कर रहे हैं बिहार की स्टेट में, कि उस दिन जो ग्राम सभा बैठा हुआ पूरे बिहार के 534 ब्लॉक के जितने भी मुखिया हैं सब एक साथ, सभी मुखिया साथ देंगे उम्मीद है? हाँ जितने हम देंगे सभी मुखिया, बिल्कुल जरूर देंगे, उनको देना पड़ेगा उनके गांव के लिए और पूरे बिहार के लिए देना पड़ेगा उनको साथ। हाँ। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि सारा जनता हम लोग चुन के देते हैं, क्यों नहीं देंगे? देंगे साथ सभी मुखिया, जरूर देंगे, क्योंकि जरूर देंगे सर, जरूर देंगे, 100% नहीं, शिक्षा का बात है तो क्यों नहीं देंगे साथ इसमें? मुखिया साथ दे या ना दे, जनता साथ दे कम से कम, तब जाके बिहार में जो है कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो अनिवार्य हो पाएगा, अंग्रेजी के शिक्षक, साइंस के शिक्षक और जो शिक्षक की कमी है हर एक स्कूलों में वो पूरा हो पाएगा और स्कूल का कंडीशन सही हो पाएगा, सही है कि नहीं? नहीं 100% आप सही बोले। एक सोनू के बारे में हम ही लोगों ने सबसे पहले दिखाया था, उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने उसको पिपली लाइफ बना दिया उस जगह को, अनेकों सोनू को भूल रहे हैं, अनेकों सोनू के बारे में क्या कहना चाहते हैं? 1,87,00,000 सोनू है हमारे बिहार में। हाँ। तो एक सोनू को पूरा सरकार जाकर वहां पर मदद करी, दूसरे थोड़ी ना कुछ होगा, तो अपना पब्लिसिटी वहां पर कमा रहे हैं। हाँ। आपको मदद करना है तो अपने गांव में कीजिए, अपने पंचायत में कीजिए, आपके घर के बगल में जो सोनू रह रहे हैं उनको लिए मदद कीजिए, मदद करना है तो कंप्यूटर का विषय बिहार बोर्ड में जुड़वाइए, जिससे हजारों लाखों 1,87,00,000 जो सोनू हैं उनको उनका जो भविष्य है वो बेहतर बन सके। चलिए बाकी हमारा ये प्रयास इस स्कूल से कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद। Thank you.